हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में 5 दिवसीय कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की गौरवशाली लोक संस्कृति से युवा पीढ़ी को जोड़ने वाले इस कुमाऊं द्वार महोत्सव के आयोजन समिति से जुड़े सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि यह महोत्सव लोक कलाकारों को सम्मान देने के साथ ही हमारी लोक संस्कृति लोक विरासत को संरक्षित करने का कार्य भी कर रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी को पहाड़ों का प्रवेश द्वार और समग्र पर्वतीय समाज का दूसरा घर माना जाता है। हमारी संस्कृति परंपरा और लोक कलाओं के समृद्ध केंद्र कुमाऊं की इस धरती में यह आयोजन हमारे लिए नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति लोक कला से रूबरू करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड के लोक गायन और लोक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से भरे इस कुमाऊं द्वार महोत्सव में अनेक लोक कलाकारों को एक सम्मान मिल रहा है, जो एक बेहतर पहल है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे युवा प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार लोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसके अलावा हमारी सरकार पलायन की समस्या के निवारण के लिए भी लगातार कार्य कर रही है और सरकारी नौकरियों के सृजन के साथ ही स्वरोजगार के लिए भी कार्य कर रही है। कि आज के हमारे युवा हमारे लोक संगीत को पसंद करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजकल हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर लोग उत्तराखंड के लोक गीतों को एक नए कलेवर के साथ पहचान देने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सहित राज्य की अन्य बोलियां व उप बोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए उत्कृष्ट साहित्य गौरव सम्मान भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 17 साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार के पुरस्कार और योजनाएं हमारे जो लेखक हैं उनको अवश्य उत्प्रेरक का कार्य उनके लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रोत्साहन को उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम इस प्रकार की योजना लाए हैं। आज हमारी सरकार पलायन जैसी वृहत समस्या के निवारण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। पलायन को रोकने के लिए हमने सरकारी नौकरियों का सृजन के साथ ही स्वरोजगार के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर हमारे नौजवान युवाओं से हमारा ये कहना है कि वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो इस दिशा की ओर प्रेरित हो कि वो नौकरी देने वाले बने।